बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान का एक बार फिर से तलाक हो गया। आमिर ने पत्नी किरण राव से अलग होने का फैसला लिया है। आमिर खान और किरण राव ने अपने तलाक की खबर को शेयर करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। आमिर और किरण के तलाक की खबर फैंस के लिए बेहद शॉकिंग है। आमिर और किरण ने 15 साल पहले शादी की थी। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने आमिर और किरण का जॉइंट स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है, 15 सालों के इस साथ में हमने पूरी जिंदगी के अनुभव साझा किए, खुश रहे, हंसे और हमारा रिश्ता केवल भरोसे, सम्मान और प्यार पर आगे बढ़ा। अब हम अपनी जिंदगियों का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब हम एक पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि को पेरेंट्स और एक दूसरे के परिवार के तौर पर रहेंगे। हमने कुछ समय पहले अलग होने की योजना बनाई थी और अब हमने अलग हो चुके हैं। आमिर और किरण ने अपने बेटे आजाद के बारे में कहा, हम अपने बेटे आजाद के लिए एक समर्पित पेरेंट्स बने रहेंगे और उसको साथ में बड़ा करेंगे। इसके अलावा हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य प्रोजेक्ट में भी साथ काम करते रहेंगे। हमारे परिवारों और दोस्तों का सपोर्ट और हमारे रिश्ते को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बिना हम ये इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाते। हम अपने शुभचिंतकों के आशीर्वाद का कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी तरह आप भी इस तलाक को एक अंत नहीं बल्कि नए सफर की शुरुआत की तरह लेंगे। शुक्रिया किरण और आमिर। आपको बता दें कि 56 साल के आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव से शादी की थी। आमिर ने इससे पहले साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी। आमिर और रीना के दो बच्चे जुनेद और आयरा खान हैं। आमिर और रीना का तलाक साल 2002 में हुआ था, जिसके बाद आमिर लगान के सेट पर राव से मिले थे। राव उस वक्त लगान असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर डायरेक्ट कर रही थी। आमिर खान अब अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे, जिसके इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने की उम्मीद लगाई जा रही है।